कई लोग कहते हैं तुम बदलोगे नहीं, ये बंद करिए। जब हम नहीं बदल पा रहे हैं तो वो क्यों बदलेंगे? हम अपने को बदलें। हम अपने को बदल नहीं पा रहे हैं, दूसरे के प्रति हम शिकवा शिकायत रखते हैं। भक्ति का पहला पाठ हमको कंठस्थ है, क्या सत्संग हमको सरल कर देता है, सुगम बना देता है। अहंकार के दिव्य रथ पर चढ़कर गरुड़ जी आए थे, पक्षी श्रेष्ठ काकभुसुंड जी महाराज ने पूछा, हे प्रभु आपके आने से मैं धन्य हुआ, कहिए। आय सुकाह सुकरं अब प्रभु आय होगे आपकी आज्ञा। हमारी जिह्वा की सरलता बड़े बड़े को सहज बना देती है, शांत कर देती, एकदम शांत बना देती, सहज मधुर एकदम सरल। कितना सहज, मेरे राघव जी जैसा सहज। मेरे राम जी जब बोलते हैं ना तो मोती टपकता है, जब जब बोले रस बरसता। कभी कभी आवेश भी आ जाए तब भी मेरे राम की जिह्वा से मिठास ही टपकती, यही रामत्व है राम का। आप कभी भगवान परशुराम परसा उठाकर ललकारे दे रहे हैं, लेकिन सरकार अरे महाराज कहां है आप, शीश अकाम है चरण। विप्रवंश के असी प्रभु ताई अभय हो जो तुम, कहां हम आपसे लड़ेंगे। मेरे एक गुण धनुष है, आपके नव गुण, आप तो सब प्रकार ब्रह्मचर्य शास्त्र विज्ञ विज्ञान और आयुध एक है, आपके पास दो दो है, कौन उलझेगा। प्रशंसित करते हैं, विपरीत अवस्था में भी मेरे प्रभु कैसी सहजता है। ये भक्ति मणि है हमारे आप में आवे, राघव जी से प्रार्थना है। तो इन पंक्तियों में हमने आपने आज मणि को ढूंढा। काकभुसुंड जी महाराज प्रसंग को थोड़ा अपनी ओर लाते हुए कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते राम कर राम ते राम कर। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि राम जी से अधिक कौन, राम जी का दास श्रेष्ठ है। अरे कैसे, राम तो परम श्रेष्ठ है, राम जी का दास कैसे श्रेष्ठ है। देखिए दो शब्द हैं, दास और सेवक, इन पर अस विश्वासा पर हम लोग कल स्मरण करेंगे। इन दोनों में मूल अंतर समझिए, सेवक का स्वामी से एक अलग अस्तित्व होता है। जैसे आजकल के सेवक कोई रखा हो सेवक, तो सेवक स्वामी की व्यवस्था करने के बाद सीधे ही पूछता है, मेरी व्यवस्था कहाँ है, आपकी हमारे बेडरूम में है, हम बाहर सोएंगे आप अंदर सोइएगा। सेवक स्वामी की सेवा करने के साथ ही अपनी सेवा की चिंता बहुत करता है। श्री हनुमान जी भगवान के सेवक नहीं, सुग्रीव जी सेवक है, अपनी चिंता कुछ न कुछ करते रहते हैं, सोचते रहते हैं,
अंगद जी भी सेवक ने, अंगद जी भी दास नहीं सेवक हैं। दास स्वामी की ही प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता है। स्वामी पा लिया तो पा लिया, स्वामी सो गए तो सो गए, दास। इसलिए यहां काकभूषण जी कहते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम जित अधिक राम करे दास। दास, दास माने जिसका अपना न मन हो, न व्यवहार हो, न स्वरूप हो, न साज हो, न बाज हो, न श्रृंगार हो, स्वामी की राजी में राजी। उसको न अच्छा लगता है न बुरा लगता है। आप देख लीजिए, सबके पास सब है, श्री हनुमान जी के पास कुछ है क्या? कुछ नहीं दिया लोगों ने, तो हनुमान जी को भगवान ने पद ही भेंट कर दिया। हेलो, ये दास्य भाव, ये भक्ति का एक एक सेवक उसमें नहीं आता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम, ये दास्य भक्ति श्री हनुमान जी के जी में, पाद सेवनम लक्ष्मी माँ के जी में, अर्चनम के अलग अलग सब बहुत उदा, वंदन ध्रुव जी और प्रहलाद जी के पास है, अलग अलग आत्मनिवेदनम महाराज बलि के पास है। हमारे यहाँ भागवतों के भक्ति प्रकार से भी बहुत स्वरूप हैं, तो इन बातों का हम कल स्मरण करेंगे। आज कथा श्रवण करने के लिए बड़े विशिष्ट विशिष्ट जन पधारे हैं, कथा सबका स्वागत करती है। बहुत बहुत सबको पुण्य प्राप्त हो, भगवान से प्रार्थना। आइए प्रसंग को प्रणाम करते हैं। कल आपको स्मरण होगा कि हम लोग विवाह महोत्सव संपन्न कराकर चारों दुल्हा दुल्हन सरकार को मिथिला में कोहबर लीला के लिए प्रस्तुत करके, उपस्थित करके यहाँ से प्रस्थान किए थे। कथा क्रम आगे बढ़े इसके पूर्व इसी प्रसंग के आश्रय में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जले तूफान में, जिसकी लागी रे लगन भगवान में उसका दिया रे जले तूफान में। तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, तन का दिया मन की बाती, हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है, जिसकी लागी रे लगन भगवान में दिया रे जलेगा तूफान में, ओ जिसकी लागी रे लगन भगवान में दिया रे जलेगा तूफान में अपने राम बसाले, पहुंच जाएगा